बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। साइम होम्योपैथिक इनफर्टिलिटी क्लिनिक से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। चूँकि आजकल सर्दियों का मौसम है और बच्चों के सांस और दमा के वाले से बहुत केस आते हैं, अस्थमा के वाले से मैंने एक अलग वीडियो बनाई हुई है पहले से, लेकिन आज का जो हमारा टॉपिक है वो अस्थमा इन चिल्ड्रन है। बच्चों का जो सांस का मसला होता है या दमों का मसला होता है उसमें जो सबसे पहली एक डोज़ हम इस्तेमाल करते हैं वो कार्सिनोजन लंग्स होती है, और जो डोज़ दूसरे दिन इस्तेमाल की जाती है वो बेसिलिनियम सीएम होती है, और जो डोज़ तीसरे दिन इस्तेमाल की जाती है वो नेट्रम सल्फ सीएम में खुराक दी जाती है। जो दवाइयाँ सुबह दोपहर शाम में बच्चों को इस्तेमाल की जाती हैं उसमें इपिकाक 200 रोज़ाना सुबह दें, एंटमटार 200 रोज़ाना दिन को दें और नेट्रम सल्फ 200 रोज़ाना रात को दें। बच्चों के दमे के मुश्किल से जो मुश्किल केस होते हैं वो भी इन दवाइयों से ठीक हो जाते हैं। मेरे लिए ख़ास दुआ भी किया करें। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया।